नहीं गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स वेज की सब्जी। देखिए, हमने मसाला तैयार करके रखा है। जीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च, लहसुन की कुछ कलियां हैं, अदरक 5, लाल मिर्च 1 चम्मच, खड़ा धनिया, प्याज, इन सबको पीस ले रहे हैं मिलाकर एक साथ। गाइस देखिए, हमने कुछ सब्जियां तैयार करके रखी हैं। मटर, फूल गोभी, गाजर, बैंगन, इन सबको हमने काट के रख लिया है। आलू भी हमने कढ़ाई में तेल डाल के रखा हुआ है, 2 चम्मच। मस्टर्ड ऑयल है, देखिए मेरा तेल हो गया। इसमें हम प्याज डाल दे रहे हैं, देखिए मेरी प्याज लाल हो गई। अब इसमें हम मसाला डाले दे रहे जो हमने पीसा था। हल्दी डाल दे रहे, नमक डाल दे रहे स्वाद अनुसार, टमाटर काट के रखे हैं, 2 मिनट के लिए बंद करके रख दे रहे। मेरा मसाला भुनने लगा है, अब इसमें हम आलू डाल दे रहे हैं। हमने मसाले में आलू डाल दिए हैं, अब इसको ढक के रख दे रहे हैं। देखिए मेरे आलू मसाले में भून गए हैं, अब हम इसमें बैंगन डाल दे रहे हैं। फूल और गाजर भी डाल दी। अब इसमें ढक्कन लगा के रख दे रहे हैं, मसाले में ये बनेंगे। ये पानी डाल दे रहे हैं सब्जी गलने के लिए थोड़ा सा। ढक्कन लगा के हमने रख दिया है। अब हम इसमें मटर डाल दे रहे हैं, ढक्कन लगा के बंद कर रख दे। देखिए मेरी सब्जी भुन गई है, सारी सब्जियां भी गल गई हैं। अब इसमें हम हरा धनिया डाल लें, ये सब्जी बनकर तैयार हो गई। गाइस देखिए, मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई, अब इसे हम प्लेट में सर्व कर रहे हैं। देखिए मेरी मिक्स वेज की सब्जी बनकर तैयार है। मिक्स वेज की सब्जी बनकर तैयार होगी, देखिए कितनी डिलीशियस बनी है। आप लोग मेरे मिक्स वेज की रेसिपी को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाकर नई नई रेसिपी देख सकते हैं। और आप लोग भी बताइए कमेंट्स द्वारा कि आप लोगों की मिक्स सब्जी कैसी बनी हुई है।